अल्लाम वरह वर्कू ये मुजम्मा अशेक अहमद कफ़्तारो जामिया बिलादि शाम शाम ओपन यूनिवर्सिटी का ये गैस रूम है और ख़ैर यहाँ पर गेस्ट रूम तो बहुत सारे हैं लेकिन इस गेस्ट रूम में एक रूहानियत और एक खुशबू जो बुज़ुर्गों की है वो तो यहाँ पर है लेकिन पाकिस्तान से हमारे एक अजीम रूहानी शख्सियत के जिसने सोए हुए ज़मीरों को जगा दिया और मुर्दार दिलों को जिसने ताकत बख्शी और हुजूर अली सलात व तस्लीम का इश्क जिसने अता किया और नामो से वसल्लम़ पर पहरा देने का जो जज्बा है वो जज्बा जो है वो हमको अता किया गुस्ताखों के एवानों में जिसके नाम से आज लर्जा तारी होता है इस कमरे से उस बुजुर्ग की नस्बत है कबला शेखुल हदीस अमीर मुजाहिदीन हाफिज खिला दो सन 2008 में तशरीफ लाए थे इस यूनिवर्सिटी का विजिट किया था और हजरत यहाँ पर अमीर मुजाहिदीन यहाँ पर जलवागर हुए थे और इस जगह पर इस यूनिवर्सिटी के जो बानी हैं उनके साहबजादे जो कि उस वक्त प्रिंसिपल थे डॉक्टर सलाउद्दीन कफ्तारू साहब वो यहाँ पर मौजूद थे और हमारे पाकिस्तान के केमामा कराम थे जो यहाँ पर सोफ़ों पर मौजूद थे और शाम के मुफस्सिर मुफक् फ़कीह मुहद्दिस, बड़े बड़े आकाबर उलमा जिनकी किताबें दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं वो सब यहाँ पर मौजूद थे और कबला बाबा जी की जो अरबी फसात और बलागत और ख़ास तौर पर कवायद सरफ और नहब में जो बाबा जी की महारत थी अरबी एराब तो वो कमाल की थी और वो बड़े हैरत से बाबा जी की अरबी गुफगू और अरबी महारत को वो लोग जो है देख रहे थे मैं यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल साहब से अभी मुलाकात के लिए आया गुज़र रहा था तो मुझे अचानक इस कमरे के दरवाज़े पर मेरी नज़र पड़ी तो आज से तकरीबन सन दो से ये तकरीबन कोई पंद्रह साल पहले कबला बाबा जी इस अजीम यूनिवर्सिटी का आपने विज़िट किया उस वक्त बाबा जी रहमत अपने कदमों पर चला करते थे हादसे से जो कार एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले की ये बात है और पूरी यूनिवर्सिटी का बाबा जी ने जो है वो विज़िट किया था और बड़ा तारीख़ी जुमला हजरत ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में फ़रमाया था कि अ काश पाकिस्तान में भी ऐसी अजीम यूनिवर्सिटी बन सके अल्लाह के वली के जुमले हैं और हम भी कोशिशों में हैं अल्लाह पाक उस वली के इन जुमलों को आने वाले वक्त में पूरा फरमाए और ऐसे ही अजीम यूनिवर्सिटी के जो बाबा जी तो ये चाहते थे कि यहाँ का निसाब और जो इनका मनहज है जिसको हम सिलेबस कहते हैं ये सिलेबस जो है वहाँ पर आए और बाबा जी ये चाहते थे कि पढ़ाने वाले टीचर्स भी वो यहीं से आए और अरब के टीचर आकर वहाँ पर पढ़ाएं